अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग करते हैं हम शुरू। आज हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और बच्चे भी सारे हमारे साथ हैं, सारे के सारे हमारे साथ हैं। ठीक है, आए जोया पता नहीं क्या कह रही है। सारे के सारे बच्चे भी हमारे साथ हैं और आज हम आए हैं आलू के पराठे खाने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आए हैं आलू के पराठे खाने। नेहा भी माशाल्लाह हमारे साथ है। नेहा इधर, नेहा से क्या खाओगी, बोलती अंडा। अंडा प्रोटेक्टर टूट गया मोबाइल का, है ना। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ देखो, टूटा आ रहा है नजर। क्या कह रहे हो बेटा, अंडे अंडे शीशा खोल के बात करो ना, क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ एक दे दो। हाँ अंडे बेच रहे, गरम अंडे ले। तेरी किस्मत आ गया है उधर से, चार चार देखो कैसे मुंह में डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया आलू के पराठे, अंडा। नेहा आज कुछ और भी मांगती वो भी मिल जाता, बच्चा खुद ही आ गया उबले हुए अंडे देने, तो हमने ले लिया। ये लो छील के देना इसको। यहाँ पे हमने ये वाले होटल से जाया ना, कोयटा 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 कैफे प्याला, यहाँ से हमने पराठे मंगवाए हैं आलू वाले, क्योंकि यहाँ के हमने पहले भी खाए हैं, मजे के होते हैं, है ना। सैम पीछे हो जाओ, सैम पीछे हो जाओ बेटा, आप भी पीछे हो जाओ। अंजलि सर पे क्यों बैठते हो, ये मुझे पता है बहुत बुरी लगती है। सब तीनों चारों ऐसे करके एक इधर होता है, एक इधर, इधर ब्रेक मार रही हूँ तो फिर पीछे ऐसे टकरे मारते हैं, सही से ड्राइवरी करने भी नहीं देते। नहीं चोट लग जाती है। हाँ खुद भी चोट लगती है। सैम ने तो एक बार सही होंठ फड़वाया अपना। हाँ और पीछे इनको बोला है मैंने, सीट जो है वो फोल्ड कर दो और पीछे ही बैठ के हम सब मिल के खाएं। आ गए पराठे जी, पीछे 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 तीनों कट्ठे उधर हो जाओ। क्या हो गया, पीछे होके बैठो। अरे आप पीछे हो जाओ अंजलि, पीछे कितनी जगह है बेटा। हाँ देखो, चलो आ जाओ बिठी आप भी, चाय भी आज जल्दी ला दो यार। तो यहाँ पे परांठे हमारे आ चुके हैं। ये लो जोया, आप भी आ जाना। आ रहा हूँ मैं तो, पहले ही अंदर हूँ। हाय साथ ही आ रहा हूँ, पीछे से हटाओ नेहा, हटाओ। एक मिनट पकड़ना, ये मेरा पीछे। हाँ ये इनको अंडा छील के दिया और यहाँ पे हो गई थी काफी रात, तो हमने सोचा कि ना थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, तो फिर मैं बच्चों को ले आया सबको बाहर। बिट्टी भी साथ थी मेरे, तो हम लोग बैठे हुए थे। मैं सीट को पीछे कर, नेहा लेटी हुई, जान बैठी हुई है। हाँ हटा लो हटा लो हटा लो, नेहा हट जा काके, हट जा हट जा। मैंने सीट को ही पीछे कर लिया और पीछे होगी। हाँ, हम यहाँ पे बड़े मजे से बैठ जाते हैं ना, जान गाड़ी में को स्कूल से। हाँ देखो गाड़ी पीछे वो बन गई है, हीटर ऑन है, गाड़ी भी स्टार्ट है, हीटर ऑन है, बाकी शीशे वीशे लॉक कर दूंगे, गाड़ी लॉक भी कर दी। बड़े स्कूल से बड़ी सहूलत है भाई गाड़ी की। और ये है हमारे पराठे, आलू के पराठे। हाँ जी इधर करो, हाँ मिलके खा लो ना आप और सैम मिलके खाओ, बल्कि आप और मम्मा मिलके खा लो, मैं और जोया जोया खा लो, मैं देता हूँ क्योंकि खाना वाना खाया इतनी ज्यादा भूख नहीं है। मैं तो वैसे घर पे बनाने लगी थी, जान बोलता जाने, वैसे रोटियां पड़ी थी, हमने सोचा चलो बाहर पराठे खा के आते हैं। हाँ हमने बोला थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, मैं तोड़ के देता हूँ। सबने तो खाना शुरू कर दिया, अब मैं भी खाना शुरू करता हूँ। मैं और जोया बैठे हुए हैं, बाकी सब खा रहे हैं। जान वीडियो बना रहा है, अंडा खा लिया इसने, अंडा अंडा। हाँ माशाल्लाह खा लिया, आ रही है गरम अंडे। हाँ जी आपने भी खाया अंडा, मैंने दो खा लिया, सारी सारी खा लिया। उठे दादो बहुत मिस करती है, अभी घर से मुझे आके इसको मिलवा दो, तो फिर जान से होगा, तो फिर जाएंगे शाम होगी ना। हाँ कल जाएंगे टाइम निकाल के। यहाँ पे हमारी गरम गरम चाय भी आ चुकी है बिटी जी। यार बहुत मजे, भरे हुए कप थे ये देखो कैसे, मेरे इधर गिर गई है ना रखते रखते, और हीटर ऑन है बिटी, माहौल गर्म है ना अंदर का, सर्दी लग रही थी, हल्की फुल्की सर्दी। क्या नहीं चाय तेरे लिए, तू पिएगी चाय।
वो तो आपको पता चाय की शौकीन है, चाय की शौकीन है वो तो दादी पे गई है। तो हम साथ साथ में परांठे भी खा रहे हैं, चाय भी इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग करो हमारा व्लॉग इंजॉय। नेहा नेहा चाहो चाय, देख लो कितना बोलती है, माशाल्लाह बोलने लग गई है, बड़ी बातें करती है। ये वाले होटल पे जो है ना, आप भी आए, आपको जरूर इनके परांठे परांठे पसंद आएंगे। हमें मुझे तो बड़े पसंद आते हैं, हमेशा मैं जब भी आता हूँ लाजमी खाता हूँ यहाँ से। और बच्चे देखो माशाल्लाह सारे चारों पाँच छो माशाल्लाह, ठंडी हो जाती है तो फूंक मार के पियो। हाँ, ये देखो बोल रहे गर्म है चाय, नेहा भी छीन रही है चाय, जोया अलग, अंजलि भी है, सारे माशाल्लाह दे दी चाय अपने जाने भी दे। वो ये परांठे अभी पड़े हुए हैं, सब खा रहा, बस जोया रहती है। अगर उसका जोया ने नहीं खाना बेटी, जानो तो फीडर पे देना जरा, इस तो फीडर में डाल ये यहां से काम कर जाएगी। ये लो ये शीशा खोल जरा गाड़ी का, गर्म हो गई है ना, गर्म। अभी हम जा रहे हैं घर पे, खाना वाना खा के समझ नाश्ता करके चाय परांठे खा के, घर हमारा पास ही है। गाड़ी की बड़ी मौज है जान, गाड़ी की बहुत मौजे हैं, गाड़ी की बहुत मौजे हैं वाकई। जब से लिए अंदर डालो तो चले जाओ, जब से लिए बड़े मजे कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखो कहीं भी जाते बच्चों को साथ लेके जाते हैं। खाने पीने वाले काम पे जाएं या घूमने फिरने वाले पे जाएं तो फिर तो इनको ले जाते हैं, हाँ। और किसी और काम जाएं तो फिर तो कभी छोड़ भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं, वहाँ पे जाके ये डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करते किसी के घर पे। संभालना चार बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो समझ आता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया और कैसे पाला है, कैसे पाला और क्या कुछ किया। सही बात है, मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ। और जो नहीं अपने माँ बाप को वो करते हैं तो वो अपने आप को कदर नहीं करते, वो बहुत कदर करें, क्योंकि बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी बाप है घर पे, अभी हम बाप है ना, पांच बच्चों का बाप हूँ मैं, चार का, ठीक है, वैसे तो छह का हूँ, लेकिन चार जो है वो पास है तो उनको पाल रहे हैं, उनकी अच्छा बुरा खुशी गम, उनकी चोट वोट सब कुछ देखते हैं, दुख दर्द बीमारी खुशी हर चीज का बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है। उसमें जरा कुछ हो जाए तो हमें चोट लग जाए, उनको ना लगे। हाँ, हम ये बोलते हैं हम बीमार हो जाएं और वो ना हो, तो जहरी बात है। आज अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमारे माँ बाप भाई तो यही सोचते होंगे हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल। आ गया चलो जी, हमारा घर के बिल्कुल पास आ गए, इतने पास ही तो है घूमना फिरना हमारा जो है, बस इधर ही बैठे। हाँ दे देखो बच्चे ऐसे चोट लगवाते, ये देखो ये गली के जो बच्चे ना बड़े शरारती बच्चे।